Now next section is section C. Now next section is section C. And the question is question number 26. Question is prove that 1 by root 2 is irrational. हमें क्या प्रूव करना है? That 1 by root 2 is irrational. तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव करना है कि 1 by root 2 एक irrational नंबर है. तो हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं. तो कैसे हम स्टार्ट करते हैं इसको? Let us assume that 1 by root 2, is a rational number. कि 1 by root 2 क्या है? एक rational number है. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब अगर ये rational number है तो क्या होगा? Which implies 1 by root 2 is equal to क्या होगा? A by B. Where A and B are co-prime integers. Co-prime का मतलब that HCF of A and B is equal to 1. Means ये दोनों commonly सिर्फ 1 के table में आएंगे. Co-prime का मतलब ये होता है. ठीक है. A और B सिर्फ commonly 1 के table में आएंगे. यहाँ तक clear हो गया? ठीक है. अब देखो, it can be written as root 2. इसको मैंने reciprocate कर दिया और इसको भी आप reciprocate कर दो, तो ये हो जाएगा root 2 is equal to b by a. अब देखो a और b है क्या? co-prime integer, तो b by a भी वही होगा. अब इसको अगर आप देखो सही equation 1, तो आप क्या कह सकते हो? Here right hand side of equation 1, क्या कहा? Right hand side of equation 1 is a rational number. भाई राइट हैंड साइड तो रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है देन अब ये इसके इक्वल है, देन रूट टू शुड ऑल्सो बी अ, तो रूट टू को भी क्या होना चाहिए? रूट टू शुड ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर. तो रूट टू को भी रैशनल नंबर होना चाहिए. रूट टू को भी क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर. But we know that root 2 is an irrational number. अब right hand side rational, left hand side irrational. इसका मतलब क्या? It means our supposition is wrong. Therefore, Our supposition is wrong. Hence, 1 by root 2 is an irrational number. And this is the final answer of this question. Is it clear? Next question is question number 27. Question number 27 is, write the family of quadratic polynomial having minus 1 by 4 and 1 as its 0. So first of all, let alpha and beta be the zeros. Let alpha and beta be the zeros of quadratic. Let alpha and beta be the zeros of quadratic polynomial. Now, alpha is equal to minus 1 by 4 and beta is equal to 1. हमने minus 1 by 4 को क्या ले लिया? Alpha. और beta को क्या ले लिया? 1. Right? अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करता हूं, दैट इज सम ऑफ जीरोस, तो वो क्या होगा? माइनस वन बाय फोर प्लस वन, विच इज इक्वल टू फोर. अगर आप एलसीएम लेते हो तो माइनस वन प्लस फोर, दैट इज थ्री बाय फोर. ये क्लियर हो गया? ठीक है. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप फाइंड करते हो, दैट इज माइनस वन बाय फोर इंटू वन, देन इट विल बी इक्वल टू माइनस वन बाय फोर. ठीक है. देयरफॉर रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिक्वायर्ड नाउ कैन आई से दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल will be equal to x square minus sum of zeros plus product of zeros. x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. यही होता है, ठीक है? तो ये किसके equal हो जाएगा? It will be equal to x square minus sum of zeros हो गया आपका 3/4 into x plus product of zeros. ये हो गया आपका -1/4. ये क्या हो गया आपका -1/4, right? तो ये आपका कुछ आ गया x square -3/4x -1/4. अब आपसे पूछा गया है फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -1/4 and 1. तो आप क्या कहोगे? देयरफॉर फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू k एक्स स्क्वायर -3/4x -1/4. मीन्स k कांस्टेंट है, जो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी आप यहाँ पे k की वैल्यू रखोगे, उसके बाद जो पॉलिनोमियल बनेगा वो उसी फैमिली का होगा या उसी पॉलिनोमियल फैमिली का पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोस क्या होंगे? -1/4 और 1. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 इज सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन आर 2x + 3y = 11 2x + 3y = 11 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x - 4y = -24. आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे. फिर जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करने के बाद क्या m की वैल्यू आ जाएगी. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है? तो देखो ये 2x है, ये 2x है, डायरेक्टली हो जाएगा. माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा? प्लस. तो 2x है, 2x कैंसिल. 4y plus 3y कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा. 24 plus 11 कितना हो जाएगा? 35. तो y की वैल्यू क्या? y की वैल्यू 5. अब जो भी ये वैल्यू आई है put y equal to 5 in equation 1 में पुट कर देते तो क्या हो जाएगा? 2x plus 3 into 5 equal to 11. तो 2x equal to क्या हो जाएगा? 11 minus 15. तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2. इसका मतलब x -2 y 5. नाउ y इक्वल टू क्या? mx plus 3. इट हैज बीन गिवन, ठीक है? तो putting the value of x and y इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं. इन इक्वेशन थर्ड वी गेट तो देखो y की जगह क्या आ जाएगा? y की जगह आ जाएगा 5. तो ये हो गया आपका 5 इक्वल टू m इंटू x की जगह क्या आ जाएगा? -2. x की जगह क्या आ जाएगा? -2. प्लस में क्या हो जाएगा? 3. तो व्हाट वी विल हैव? -2m = 5 - 3 कितना हो गया? 2 से 2 कैंसिल. तो m की वैल्यू क्या? -1. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm. तो देखो इस तरह से आपको एक सर्कल गिवन है. से दिस इज द सर्कल और आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया. क्या ड्रॉ किया है? ट्राइंगल. से दिस इज द ट्राइंगल. ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. तो ये इसको क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है. तो ये हो गया A, ये हो गया आपका B और ये क्या हो गया आपका C. A, B और C, राइट?
और एज पर क्वेश्चन सेंटर क्या है, ओ है, सेंटर क्या है, ओ है, और यहाँ से मीन्स दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो ओडी क्या हो गया, रेडियस हो गया, ओडी क्या हो गया, रेडियस। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो डिस्टेंस है आपका वो 6 सेंटीमीटर है, दिस डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो एज पर क्वेश्चन कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ओडी जो है आपका वो 4 सेंटीमीटर है, ओडी कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द साइड ए बी, आपको ए बी फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है ए सी। देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन से दैट हेयर बी डी विल बी इक्वल टू इस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं क्यू। कैन आई से दैट हेयर बी डी इज इक्वल टू, फिगर में तो ये पॉइंट्स गिवन है नहीं, तो अपनी अजम्पशन से मैंने इसको पी ले लिया और हम इसको क्या ले लेंगे क्यू, ठीक है। अब बी डी किसके इक्वल होगा, बी पी के, एंड सी डी या डी सी, सी डी किसके इक्वल होगा आपका सी क्यू के, राइट, वाई, बिकॉज टेंजेंट्स, यहां आप कॉमन ले लो, और इसी तरह से आप कह सकते हो AP किसके इक्वल होगा, एंड AP विल बी इक्वल टू AQ, राइट। रीजन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो जी, अब ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, तो ये साइड आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब AP, अगर मैं AP को x लेता हूँ, AP को क्या लेता हूँ x, तो AQ भी कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर। तो बेसिकली AB और AC फाइंड करने के लिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, x की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ आप मेंशन कर दो, लेट AP जो किसके इक्वल है AQ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर ईच, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे आपको क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन करनी होगी, कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, नाउ वी विल डू सम कंस्ट्रक्शन, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन OB OC एंड OA, तो क्या कहा आपने, ज्वाइन OB OC एंड OA, ऑल्सो ज्वाइन, और किसको ज्वाइन करोगे, OP OQ, ऑल्सो ज्वाइन OP एंड OQ। अब ध्यान से देखो अगर आप, तो ये जो पूरा ट्राइंगल है हमारा, ये पूरा ट्राइंगल ABC, इसमें कितने ट्राइंगल बन गए, देखो एक ट्राइंगल इसमें बन गया BOC, एक ट्राइंगल क्या बन गया इसमें BOC, दूसरा ट्राइंगल क्या बन गया इसमें AOC, और तीसरा ट्राइंगल इसमें बन गया AOB, तीसरा ट्राइंगल इसमें क्या बन गया AOB, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कैन आई से दैट नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, कैन आई से दैट नाउ OD जो है वो परपेंडिकुलर होगा BC पर, इसी तरह से जो OQ जो है वो परपेंडिकुलर होगा AC पर, एंड OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB पर, ऐसा क्यों कहा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू
Because radius is perpendicular to tangent. Because radius is perpendicular to tangent. ये क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि रेडियस, अब ये भी आपकी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हम ले लेते हैं ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को ले लेते हैं, इसका मतलब ये जो ए है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट ओ पी इंटू हाइट ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी ये क्या हो जाएगा जी, हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट ओ डी, इंटू हाइट ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस ए सी और इंटू हाइट ओ क्यू, इंटू हाइट ओ क्यू. यहां तक क्लियर है? ठीक है, नाउ इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ए बी, ए बी को आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस सिक्स, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस सिक्स. ओ पी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, फोर सेंटीमीटर होगा और ये भी रेडियस है आपका फोर सेंटीमीटर, रेडियस तो सारे सेम होगा, तो ओपी की जगह क्या आ जाएगा, फोर, ओपी की जगह क्या आ जाएगा, फोर प्लस हाफ प्लस हाफ बी सी, बी सी की जगह एट प्लस सिक्स, टोटल कितना हो जाएगा फोर्टीन, और ओडी कितना हो जाएगा आपका फोर, तो ये हो गया जी फोर प्लस हाफ ए सी, ए सी की जगह क्या हो जाएगा एक्स प्लस एट, ए सी की जगह क्या हो जाएगा एक्स प्लस एट, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस एट इंटू ओ क्यू, ओ क्यू कितना हो जाएगा आपका फोर, ओ क्यू कितना हो जाएगा फोर. यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर और टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस सिक्स प्लस टू इंटू फोर्टीन प्लस टू इंटू एक्स प्लस एट प्लस टू इंटू एक्स प्लस एट. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टू एक्स प्लस टू एक्स, ये हो जाएगा जी फोर एक्स, टू एक्स प्लस टू एक्स हो गया फोर एक्स प्लस सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो ये हो गया ट्वेल्व, फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट, तो ये हो गया जी ट्वेंटी एट और एट टू जा हो गया सिक्सटीन, एट प्लस टू टेन, टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन, थ्री और फोर ये आ गया फिफ्टी सिक्स, तो ये आ गया फोर एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया फोर एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स. तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, फोर एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर मैं इस तरह से इसका एरिया निकालता हूं तो मेरा एरिया क्या आ रहा है, फोर एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर. इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक है. अब देखो इस ट्राइंगल का एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं. वाई? बिकॉज आपके पास तीनों साइड्स है. कहने का मतलब क्या है, लेट लेट स्मॉल ए विच इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स सेंटीमीटर, स्मॉल बी विच इज इक्वल टू बी सी is equal to 14 centimeter and small c which is equal to ca which is equal to ca is equal to x plus 8 centimeter is equal to x plus 8 centimeter. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, now तो s equal to क्या होगा, a plus b plus c by 2, तो a आपका कितना है x plus 6, बी आपका क्या है 14 और सी कितना एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया ये आपका एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, 14 प्लस 6 हो गया, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28, तो ये हो गया 2x प्लस 28 बाय 2, यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 14 बाय 2, तो बेसिकली आपका जो एस आ रहा है वो आ रहा है एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर, एस कितना आ रहा है x प्लस 14 सेंटीमीटर. यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला a विल बी इक्वल टू s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, इसी के इक्वल होगा. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है,
तो इट इंप्लाइज ए विल बी इक्वल टू, ए विल बी इक्वल टू, देखो एस की जगह तो आ जाएगा एक्स प्लस 14, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस 14। देन एस माइनस बी, तो एस की जगह क्या, एक्स प्लस 14, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस 14 माइनस बी, बी आपका कितना है 14, तो ये हो गया माइनस 14। देन एस माइनस सी, तो एस की जगह क्या, एक्स प्लस 14 माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 8। अब देखो माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और प्लस माइनस माइनस 8, प्लस माइनस माइनस 8, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो x से x कट जाएगा, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली व्हाट वी विल हैव दैट a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x, x प्लस 14 और इंटू 14, तो ये हो जाएगा आपका 14 इंटू x कितना हो जाएगा, नहीं 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, 14 माइनस 8 कितना हो गया जी 6 हो गया, बात समझ में आ रही है। s हो गया x प्लस 14, s माइनस a हो गया x प्लस 14 माइनस 14, s माइनस a, एस माइनस ए, नहीं भैया ये तो गलत हो गया, अब देखो ए किसके इक्वल होगा, ए विल बी इक्वल टू एस, एस की जगह क्या आ जाएगा, एस की जगह आ जाएगा एक्स प्लस 14, देन एस माइनस ए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस ए, ए की वैल्यू क्या है माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा। देन एस माइनस बी, तो एक्स प्लस 14 माइनस बी, बी का मतलब 14, तो ये हो गया माइनस 14। देन एस माइनस सी, तो ये हो गया एक्स प्लस 14 माइनस सी, हो गया माइनस एक्स और माइनस 8, माइनस एक्स और माइनस 8, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, ए विल बी इक्वल टू, ए विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 14, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस 14। देन x से x कैंसिल कर दो, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया जी 8, 14 से 14 कैंसिल कर दो, ये हो गया x, तो इसको कर दो x, और x से x कैंसिल कर दो, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 6, तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 6, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 6 जा 48x विद इन ब्रैकेट x प्लस 14। अब देखो ये भी वैल्यू एक ही है, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ये वैल्यू जो आई थी हमारी ये भी है, ठीक है। नाउ नाउ तो कैन आई से दैट रूट 48x x प्लस 14 विल बी इक्वल टू 4x प्लस 56। भाई ये क्या है, ए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और हीरोन्स फॉर्मूला से ये भी क्या निकाला अपना, ए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये दोनों एरिया आए हैं, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे इक्वल, अब क्या होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा 48x x प्लस 14, स्क्वेयरिंग क्यों किया, इरेशनल और रैशनल ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, और ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 56 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 56 होल स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आ रही है बात, या एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, ये 4x प्लस 56 से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, तो अब इसको ऐसे लिखो, तो ये हो गया आपका, अब जब स्क्वेयरिंग करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर, अब 16 बन जा 16, 16 3 जा 48, ये बात समझ में आ रही है, x प्लस 14 से ये पावर कैंसिल होगी, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया 3x इक्वल टू x प्लस 14, तो 3x माइनस x हो गया 2x, 2x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आपके पास x आ गया तो देखो यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे 7 सेंटीमीटर, और इस x की जगह भी क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो कैन आई से दैट नाउ नाउ ए बी, ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 था, एक्स प्लस 6, और एक्स की वैल्यू क्या आई है 7, तो 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर, दैट इज 13 सेंटीमीटर, एंड ए सी, ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, तो एक्स प्लस 8 हो गया, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 7 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि ए बी जो है आपका वो कितना आएगा, ए बी आपका आएगा
13 सेंटीमीटर और एसी जो है आपका वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी 10 ए इज इक्वल टू 1/√3। देखो राइट एंगल एट बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल से दिस इज द राइट ट्राइंगल, दिस इज द राइट ट्राइंगल ए बी एंड सी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी 10 ए इज इक्वल टू 1/√3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 ए इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की। तो इसका मतलब क्या कि जो ए है आपका वो 30 डिग्री है। तो ए जो है आपका ए की जगह क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ए की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको कहा जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड, टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये आपको फाइंड करना है, कॉस ए साइन सी, राइट। अब देखो ए आपका 30 हो गया, ये हो गया 90, ये हो गया 90। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसको एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 2 हो गया, इसको एंगल 3 कर देते हैं, इसको एंगल क्या कर देते हैं 3, यानी कि 3 का मतलब एंगल सी, 3 का मतलब क्या हो गया आपका एंगल सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके इक्वल होगा आपका, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 1 किसके इक्वल है 30 डिग्री, तो एंगल 1 की जगह आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल 2 की जगह आ जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 3 की विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल 3 आपका आ गया 60 डिग्री, एंगल 3 कितना आ गया आपका 60 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एंगल 3 अगर आपका 60 है तो एंगल 3 का मतलब हो गया कि सी जो है आपका सी, अब ये जो सी है आपका वो हो गया 60 डिग्री, सी कितना हो गया आपका 60 डिग्री, राइट। और ए आपका कितना है 30, तो ए की जगह क्या हो जाएगा 30 डिग्री, फिर ए की जगह क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री और सी की जगह क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब करना क्या आपको, नाउ नाउ ये वैल्यू क्या होगी, साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 इंटू साइन 60। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है ये भी 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 30 दैट इज √3/2 और साइन 60 √3/2। ये क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/4, 3+1 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4, 1+3 तो फाइनली इट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इज, दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन इज If sec theta is equal to, sec theta is equal to x plus 1/4x, x plus 1/4x, ये आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, this has been given in the question, तो we have to prove, what we have to prove, that we have to prove that then sec theta plus tan theta will be equal to 2x or 1/2x. 1/2x। अब देखो क्वेश्चन ये आपका कि अगर आप sec theta की वैल्यू x plus 1/4x है तो sec theta plus tan theta या तो cos x 2x के इक्वल होगा या sec theta plus tan theta will be equal to 1/2x। अब देखो sec theta तो है, first of all we need to find the value of tan theta, फिर तभी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, राइट। अब tan theta कैसे निकलेगा, देखो प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट, We know that tan square theta is equal to 1 plus, tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Tan square theta किसके equal होता है, sec square theta minus 1, right?
तो sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस वन, इसके इक्वल हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू एक्स इंटू वन बाय फोर एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा वन, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, टू वन जा टू, टू टू जा फोर हो गया, तो ये क्या हो गया, अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर जिसको आप लिख सकते हो एक्स पावर टू, वन बाय सिक्सटीन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन बाय फोर एक्स पावर टू, और ये हो गया देखो ये हो गया प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय टू, तो ये हो गया माइनस वन बाय टू। अब माइनस वन बाय टू का मतलब क्या हुआ कि इसको आप लिख सकते हो, देखो अब इसको इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय फोर एक्स दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखो ए की जगह क्या हो जाएगा एक्स और बी की जगह, अगर आप इसकी जगह माइनस टू ए बी लिखोगे तो भी ये माइनस वन बाय टू ही आएगा, x से x कट जाएगा, टू टू जा फोर माइनस वन बाय टू। तो बेसिकली ये जो आपकी वैल्यू है टेन स्क्वायर थीटा, बेसिकली ये क्या हो गया कि टेन स्क्वायर थीटा जो है आपका वो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपका x माइनस वन बाय फोर एक्स होल स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब जो आपका टेन थीटा है स्क्वायर को जब आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस x माइनस वन बाय फोर एक्स प्लस माइनस x माइनस वन बाय फोर एक्स, क्लियर हो गया। तो sec थीटा आपको x प्लस वन बाय फोर एक्स है और tan थीटा की दो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस, यानी कि दो केसेस बनेंगे, कितने केसेस बनेंगे, तो अब आप देखो केस वन, केस वन, तो केस वन क्या होगा, वेन केस वन इज वेन tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस है, तो पहले पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय फोर एक्स, देन sec थीटा प्लस tan थीटा विल बी इक्वल टू, अब sec थीटा की वैल्यू क्या है x प्लस वन बाय फोर एक्स प्लस tan थीटा की जगह क्या रखोगे x प्लस वन बाय फोर एक्स, नॉट प्लस ये माइनस है, tan थीटा क्या है माइनस, तो ये आपका माइनस है, tan थीटा की वैल्यू क्या है x माइनस वन बाय फोर एक्स, जब आप इसको सॉल्व कर दोगे वन बाय फोर एक्स, वन बाय फोर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया टू एक्स, तो sec थीटा प्लस tan थीटा टू एक्स के इक्वल, ये तो प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं केस टू पर, केस टू, केस टू इज वेन वेन tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, प्लस वाला केस हो गया माइनस वाला, माइनस ऑफ x माइनस वन बाय फोर एक्स, देन sec थीटा प्लस tan थीटा, अब sec थीटा की जगह क्या आ जाएगा x प्लस वन बाय फोर एक्स माइनस tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा x माइनस वन बाय फोर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वन बाय फोर एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन बाय फोर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा आपका फोर एक्स, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो ये आ गया वन बाय टू एक्स। तो देखो आपने प्रूव कर दिया कि sec थीटा प्लस tan थीटा या तो टू एक्स के इक्वल होगा या sec थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल होगा वन बाय टू एक्स, हैंस प्रूव्ड, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन इज इन अ बैग देर आर 44 आइडेंटिकल कार्ड्स विद अ फिगर ऑफ सर्कल्स और स्क्वायर ऑन देम, देखो 44 एक ही तरह के कार्ड्स हैं एक बैग में, अब या तो उन पर सर्कल की फिगर बनी हुई है या स्क्वायर की फिगर बनी हुई है, फिगर देर आर 24 सर्कल, अब 24 जो है वो तो क्या है सर्कल है, देर आर 24 सर्कल ऑफ विच 9 आर ब्लू, जिसमें से 9 क्या है, जिसमें से 9 क्या है ब्लू है, ठीक है जी, 24 सर्कल है इसमें से 9 तो ब्लू है, रेस्ट आर ग्रीन, रेस्ट आर ग्रीन, तो 14 माइनस 9 कितना हो गया 5, तो 15 आपके ग्रीन है, 15 आपके क्या है ग्रीन है, अच्छा इसके बाद और क्या कहा जा रहा है, एंड 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर्स है, 20 क्या है स्क्वायर्स है, जिसमें से 11 ब्लू है, जिसमें से 11 क्या है, जिसमें से 11 स्क्वायर क्या है आपके ब्लू है एंड रेस्ट आर ग्रीन, मीन्स 9 जो है वो ग्रीन है, 9 क्या है ग्रीन है,
ठीक है जी। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो कार्ड आपने निकाला है वो स्क्वायर है, जो कार्ड आपने निकाला वो क्या स्क्वायर है। देखो टोटल आउटकम तो क्या है आपका 44 और स्क्वायर कितने हैं 20, तो ये हो जाएगा 2 1 2 0, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/11। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो कार्ड आपने निकाला है वो स्क्वायर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/11। फिर क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो कार्ड आपने निकाला उसका कलर क्या है ग्रीन, वो ग्रीन कलर कार्ड है, और ग्रीन कलर में हमारे फेवरेबल केस क्या हो गए 15 जो कि सर्कल वाले हैं और 9 है तो ग्रीन, अपॉन में क्या होगा टोटल तो 44 ही रहेगा, तो ये हो गया आपका 24, 15 + 9 24/44, 2 1 2 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 1 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 6/11। थर्ड पार्ट पर आते हैं, थर्ड पार्ट में आपको कहा जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो आपने कार्ड विड्रॉ किया है वो क्या है, वो ब्लू सर्कल वाला कार्ड है, ब्लू सर्कल, अब ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल वाले कार्ड्स कितने हैं 9, तो ये हो जाएगा 9/44, तो आई थिंक यही आंसर होगा, ये तो सिंपलीफाई होगा नहीं। फिर आते हैं हम फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट में कहा जा रहा है कि जो कार्ड आपने निकाला है वो ग्रीन स्क्वायर है, उस कार्ड पर क्या बना हुआ है ग्रीन स्क्वायर, अब ग्रीन स्क्वायर कितने हैं 9, तो ये हो जाएगा 9/44 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका सेक्शन सी कंप्लीट। ठीक है, दिस इज फॉर टुडेस क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।